अरे भाइयों को और बहनों को गुड मॉर्निंग। और यहाँ एलिजाबेथ की रानी कह रहा हूँ, बाकी लंदन की रानी एलिजाबेथ चला रही है दही। एक ही तुम देसी कब से हो गए कौन कमेंट में। मैंने कि मेरी का माता लंदन की रानी एलिजाबेथ भाई देसी है और देसी ही रहेंगे है हम देसी। आ जाओ मक्खन खा लो बच्चे हो मेरे प्यारे बच्चे हो। आज वही अष्टमी है वही अष्टमी। भाई आज सबकी मम्मी का व्रत होगा, अपने अपने हाँ बच्चों के लिए तो थोड़ा मम्मियों का ध्यान रखना, मट्ठा पी लो ठीक मक्खन है। खा लो आ जाओ मम्मी बच्चों के व्रत में भी ना पीते पानी ना, है? जैसे करवा चौथ का व्रत है वैसे ही ऐसा ही बच्चों के, बच्चे हैं? होगा ना पानी ना खाना। फर्क इतना है कि करवा चौथ में चंद्रमा को अर्घ लगे हाँ और बच्चों को तारों को अच्छी जल्दी हो जाए इसका। देखो बड़े कब देखो कब जो तुम्हारे भाई के मुंह पे दाढ़ी ना थी। और मम्मी तुम्हारी वो जो बहन है गुड़गांव वाली, कौन सी? एल्विस की मम्मी जिसके तुम व्लॉग देखती रहो मोटे के, उस अच्छा पे एल्विस पे वो लगा दिया। इस पर आप क्या कहना चाहोगी? क्या कहना चाहोगी? हाँ मेरा दिल टूट गया। और हाँ ये दुनिया भैया कुछ भी लगा सके किसी पे भी। अच्छा मगर सच्चाई तो सामने आई जा गलत सही की। सच्चाई सामने आएगी है? तो बच्चा कहाँ हमें तो न लगे ऐसा। क्या मतलब भाई, हाँ? एक एक स्टोरी के भाई, जैसे हमें तो पता है सारे उसके ब्रांड्स के और उसके रेट क्या है स्टोरी के रील के। बहुत बढ़िया कमाई चल रही है उसकी आज के टाइम में, क्या जरूरत पड़ रही है इन सब चीजों की? तो जितने भी लोग ये वीडियो बना रहे हैं कि भाई ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, कुछ भी ना है, सभी ऐसे है तो क्या? कोई ज्यादा ना बना रहे होंगे, जो जानते हैं वो तो बिल्कुल ना बनाएंगे ऐसे। जब तेरे हाँ बारे में भी तो बनाया हाँ लोगों ने, जो जानते हो क्या चीज? मैं जो जानते थे हाँ उन्होंने सपोर्ट किया तेरे को, हाँ और जो नहीं जानते उनने बोलने में कोई कसर ना छोड़ी। पता हूँ क्या है बात, ये है पता सबको होती है। हुँ. पता तो सबको ही होती है, झूठ है। हाँ. लेकिन वो मौका मिल जाता है बोलने का। हुँ. कि भाई मौका मिल गया बोल लो, तो नहीं ये तो, है कोई ऐसी जरूरत ना के भी ऐसा कहाँ है वो लड़का, मुझे तो नहीं लग रहा, ना लग रहा तो प्यारा सा बच्चा है वो। अजी हाँ, तो भैया ऐसी कोई हमें तो लगती ना की जरूरत है, कि कमाई जिस हिसाब से चल रही है अच्छी खासी चल रही है, भगवान के दोनों हाथ उसके ऊपर है यार, क्या जरूरत है यार ऐसा रिस्क लेके उल्टा सीधा काम करने की, वो भी उतने पैसों के लिए जितने पैसे एक मिनट में या दो मिनट में कमाए जाए घर बैठे बैठे, कोई जरूरत ना। तो भैया बकवास लग रही है हमें तो, बाकी देखो सच पता लगेगा बाद में है। क्या कह रही हो? कुछ ना कह रही, पता ना ये सांप हाथ में ले लिया उसी का, क्या गाने का। और जबकि मम्मी जी वो गाने का सीन है, एक गाना था उसका फैजलपुरिया भाई का, तो उसमें है देखो देखा। एल्विस की सारी चीज देखे मम्मी देख। हमारी वो तेरी तरह करता है अपनी मम्मी के साथ बिल्कुल। हाँ एल्विस की अपडेट भाई, मैं तो इतना ब्लॉग व्लॉग अपने ही ना देखता, तो एल्विस की अपडेट यहाँ से मिलती रहे सारी, आज उसने ऐसे कर दी आज उसने ऐसे कर दी। तो वो कहते हैं ना भाई देखो कामयाबी आती है तो उसके साथ बहुत सारी हाँ। लफड़े हेट दुश्मन उलझने वो सब फ्री में आ जाते हैं अपने आप ही, जरूरत नहीं होती किसी से लड़ने की झगड़ने की, अपने आप आ जाते हैं है ना। कि भाई दूसरा आदमी कामयाब हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसे खींचो, हम तो ऊपर जा नहीं पा रहे पर इसे खींचो, ये है तो। पापा तो दोस्तों अब तुम्हें मिलवाए कानूनी किताब से, ये है हमारे पापा जी। पापा जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सबको, कानूनी किताब दे अगले, कानूनी किताब है पापा जी। जैसे हवा चल रही है आजकल एल्विस के बारे में, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? अरे कोई कमेंट करना मेरा ठीक नहीं है। नहीं समझे, कानून के हिसाब से वो पुलिस जाने न्यायालय जाने, हम उसमें कमेंट क्यों करें? फिर भी नहीं नहीं कोई कुछ आपकी अपनी इंडिविजुअल, अरे इंडिविजुअल जब मुझे पता ही नहीं केस के बारे में क्या है क्या सच्चाई है तो मैं कैसे बोल दूं भाई। तो चलो चार्जशीट मंगवाते हैं, FIR मंगवाते हैं, फिर पढ़वा के फिर सुनवाते हैं। हमने तो बोल दिया, तुम्हारा तुम्हें पता नहीं है ना कुछ भी, इसलिए बोल दिया। पापा चलते हैं कानून के हिसाब से, एक शब्द भी ना बोले बिना किसी चीज की नॉलेज, जब मुझे पता ही ना किस चीज के बारे में कैसे बोल दूंगा सच्चाई क्या है वो जाने। तो भाई पापा के स्कूल की आज छुट्टी है, आज इनका टेस्ट लूंगा 7 दिन ये क्या पढ़ते हैं स्कूल।
आज टेस्ट लिया जाएगा। बहुत दिन से धुलाई ना हुई, धुलाई करवा लेंगे। छोटे बच्चे ना, जैसे पापा संडे, पापा संडे, पापा के पास बैठेंगे, भाई हम संडे को भगे करे पापा से दूर, छह दिन तो स्कूल में कुछ हुआ, संडे को पापा बुक लिया, भाई क्या पढ़ा पूरे छह दिन, वो बटा छह दिन का टेस्ट और फिर कुटाई, फिर कुटाई सुताई सब चीज, फिर मम्मी बचावे बिचारी, अरे छोड़ दो मार दोगे क्या इसे, मैं रोऊं। संडे में कभी बचपन के दिनों में बैठे नहीं हम पापा के साथ, ये रहे कि नजर पड़ा ही ना पापा की हम पर पड़ जाती थी अनफॉर्चुनेटली, और फिर कुटाई हो रही थी। कोई संडे ऐसा ना जाएगा जिसमें कुटाई ना होती हो। पापा क्यों मारे तुम मुझे, क्यों होती थी कुटाई, कुटाई क्यों होती थी, कुटाई इसलिए होती थी मेरे आते थे 80-85 नंबर, आप कह रहे थे 100 में से 16 ना, मैथ के बालक में 100 में 100 ना लायक क्या फायदा होगा, मैथ के टीचर को बालक 100 नहीं लाया तो क्या फायदा होगा, सुन यही कह रहा हूँ। मेरा रोज टेस्ट होना भाई, और मैं पता ना कैसे नींद में एक आध सवाल गलत कर ही दूं, क्वेश्चन पेपर आने मेरे 9th-10th क्लास में, और वो गड़बड़ होकर 85-90 पर अटक जाना, मैं मतलब 100 में से 85 नंबर 80 नंबर 10 नंबर की रोज कुटाई होती थी। अरे उठ गया होता तू भी आ जा, पिटाई के चल 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 ले यहां। मैं भागने में बहुत एक्सपर्ट, जैसे मुझे दिखे पापा की बेल्ट निकली है ना ऐसे, और मेरी दौड़ भाई साहब मेरी भाग जा भाई भाई आके नाला है, मैं क्या हाथ आ रहा हूं किसी के, और संजीव ऐसा ऐसा सोफे पे बेल्ट बज रही है और बैठा बैठा पिटने में एक्सपर्ट मैं ना, रात मुझे जैसी दिखे बेल्ट का बक्कल ढीला हुआ, मैं तो छत कूद और आसमान कूद और भाई साहब गाजीबाज से सीधा। क्या संजीव ना पिटा इतना ना पिटा, वो पिटा भी ना तुम पे संजीव भाई, हमारे बड़े वाले भाई में और हमें अंतर बताऊं क्या, मुझ में बेल्ट बजी है, पिटा भी मैं ही, और इन्हें मम्मी पापा को चाहे मम्मी ने पीटा हूं चाहे पापा ने पीटा हूं, इन्हें फिर पिट के पिटाई खा के मैं मना रहा हूं। ये बात तो आ रही है, वो ना बना था कि एक बार होगी तो बिना करा हमारे तरफ तो मैं इधर वो पिटा भी ना तुम पे, वो डांट दिया वो एक महीने को बात गई, फिर यही कहे अरे रोटी खा ले, माफ कर दे हमसे गलती हो गई, मनाते हमको, वो गलती करता ना है ना ऐसे, वो है। फिर मैं लाए भी तो मुझे पापा से पूछ ले, वो गलती ऐसा नहीं करता, कभी नहीं करी उसने कोई गलती, फिर मुझे लाए भी तो कूड़े में, और गलती यार। करता ही नहीं कभी, हमसे भी कभी गलती होगी तो फिर हमसे रूठ जा, फिर निकल बोलता भी ना हो, फिर हमारी यहाँ पिटू भी मैं, छितू भी मैं, और फिर मनाऊ भी ना मैं, तो तेरी गलती रहती है, मनाए यूं यूं थोड़ी, तू बन जा संजीव की तरह, हम मना देंगे तुझे, बोलता है तो भाई ऐसा मुझे लाए भी तो कूड़े में से, फिर मैं अपना मन मार ले, मैंने कि चल पाल भी तो रहे हैं, पीट दिया तो क्या हुआ, इतना प्यार तो अपनी शैतानी ना बता रहा, कौन शैतानी बताऊं तुम बता दो, कॉलेज से आया और यहाँ पड़ोस में वो पिंचर कर लिया साइकिल में, मैं कॉलेज से दोस्तों के साथ चला गया भाई, साइकिल मेरे पे बन गया, आज बहुत कुटूंगा भाई, मैं पता टाइम इतने बजे चाहिए हमें घर पे, और मैंने कहा मैं बहुत कूटूंगा, मैंने घर के बाहर आके साइकिल पंचर कर ली, मैंने कहा बढ़िया सा बहाना मारूंगा, पापा जी साइकिल पंचर हो गई थी, पैसे आप देते नहीं हो, तो मेरे पास पंचर के पैसे नहीं थे, मैं कॉलेज से घर तक पैदल आया हूँ, मैं घर में घुसते ही पापा ने मारे कम से कम 200-250 डंडे, उसके बाद पूछा अब बता कहाँ था, मेरा आइडिया फेल, पंचर फेल, मैंने कहा अब तो पिट लिया अब क्या बताऊं, पूछ ही क्यों रहे हो कहाँ था जब कूट लिया तुम, ऐसा बहुत लट भाई, कभी किसी बात पे ऐसे नहीं पिटा, पढ़ाई के ऊपर और शैतानी के, ये दो बातों पे, और चोरी के ऊपर बहुत पिटा हूँ मैं, चोरी के ऊपर ऐसे पिटा हूँ भाई, देखो बचपन से ठाट थे, जेब में नोट की आदत थी बचपन से, तो जैसे पापा से पैसे मांगे, पापा दे देते 10 रुपए, हमें चाहिए 100 रुपए, तो पापा की जेब से मार लिया करते कभी कभी, थर्ड फोर्थ क्लास से शुरू से पैसे पैसे मिले एक दिन, और पैसे चुरा कर रख देता बुक में, एक दिन पापा कह रहे गिन कर रखे इन्होंने रात, पापा कह रहे यार एक नोट का मैं ढूंढो, पूरा घर ढूंढ दिया इन्होंने बुढ़िया बुड्ढे ने, ओ भाई वो 100 का नोट मिला, मैं भी कहने लगी, मैंने की अरे ऐसा नहीं कर सकते बच्चे, वो मिला जीके की किताब में, ओ अब भैया इन्होंने कसम धर्म खिलाए, मैं तो खा गया डर के मारे, मैंने कसम से भाई मैंने न लिए, और जब वो जीके की किताब खुली उसमें 100 का नोट ऐसा खड़ा करा रहा, ओ भैया फिर जो मेरे डोइयों पर लठ बजे ना मौज, मैं शाम को देखू पैसे यार इतने थे, सुबह को देखू इतने कम कैसे हो गए, अब इससे क्या हुआ इसकी मम्मी से करी, तुम तब ऐसे ही शक करते हो ऐसे कहीं ना ले जाएगा कोई, मैंने एक दिन रात एक दिन मैंने गिन के रखे, मैंने आज देखूंगा सुबह को देखे 100 का नोट कम, हमने कहा भाई 100 का नोट कहाँ गया हमारा, रात पेंट में था, कह पता ना कहाँ किसी ने थोड़ी लिया होगा, वैसे ही कहो तुम तो, मैंने कहा अच्छा हमने इसकी जो है बैग
कि बुक सब निकाली और देखा तो एक बुक में 100 का नोट लग रहा। मैंने कहा बेटा ये कहां से आया है? अब माँ भी चुप और बेटा भी चुप, दोनों चुप। मुझे मेरा तो विश्वास ही उठा दिया इसने। मम्मी कह रही मेरा गोल वैसे कर सके, मुझे भरोसा दाया। भाई स्कूल लेके जाऊँ 100-100 रुपए, दोस्तों को भी खिलाऊं, खुद भी खाऊं। आदत शुरू से ठाकुर साहब की वैसी थी ना, ठाट वाली। एक दो बार डब्बी चिलो वहां से ले आया। ओ शट अप, ये बात नहीं बता दी। चलो भाई बाय, गुड नाइट। तो भाई ऐसा मैंने ले रखा 75 डे हार्ड चैलेंज मम्मी से चाय पीने का। क्या ए मम्मी कोहनी की आवाज है ये, टेबल पे कोहनी करी है ये, तो पू की आवाज है। मम्मी ऐसा रख के भागी करी, कर दिया पू। यार मम्मी मम्मी यार रे टेबल की आवाज पू वैसे टेढ़ टेढ़ करके कर दे हवाले का। देखो भाई एक असली इन्फ्लुएंसर का काम होता है कि हमें कुछ अच्छा सिखाए जिससे हमारी लाइफ में वैल्यू एड हो। ये मैं तुम्हें क्यों दिखा रहा हूँ, देखो रोज मैं इस तरह बैठता हूँ लेकिन 2-4 दिन से मैं दिखा इसलिए रहा हूँ कि देखो लाइफ इतनी बिजी है, हर दिन माँ बाप बुढ़े हो रहे हैं, ठीक है, बाद में टाइम मिलता ना सिवाय पछताने कुछ रह नहीं जाता। तो कहने का मतलब ये है मम्मी जी, तो कहने का मतलब ये है कि दिन में 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा माँ बाप के पास जरूर बैठ जाओ टाइम निकाल के। इतने बिजी तो खैर ना तुम ना हम कि हमारे पास इतना टाइम भी ना हो, लेकिन 15-20 मिनट आधा घंटा एक घंटा माँ बाप के साथ बैठ जाओ तो भाई माँ बाप उसी में खुश है, कुछ ना तुम्हारी दौलत चाहिए कुछ नहीं चाहिए, उतने में वो खुश हो जाते हैं कि हाँ हमारे बच्चे हमारे पास थोड़ी बहुत देर बैठते हैं। क्यों मम्मी जी? बिल्कुल सही बात, सही शिक्षा दे रहा हूँ, समझदार हो रहा आजकल तो। समझदार तो मैं हूँ ही, टाइम भाग रहा है भाई बहुत तेजी के साथ। हम काम में लगे रहेंगे, माँ बाप हर दिन बूढ़े होते रहेंगे, हमें पता नहीं लगे कब जाके इनकी उम्र होली, फिर बाद में बैठ कर रहेंगे यार हम तो सारा दिन सारी जिंदगी काम में लगे रहे, पैसा कमाने में लगे रहे, माँ बाप का तो ध्यान ही नहीं दिया। तो उस टाइम पर पछताने से अच्छा हर दिन थोड़ा बहुत टाइम माँ को बाप को दे दो, है ना माँ जी? चाहे चाय पीने के बहाने दे दो, चाहे छेड़ने के बहाने दे दो, चाहे इनसे पिटाई खाने के बहाने दे दो, पर दे दो, ठीक है? तो ये मैं तुमको छोटी सी सीख दे रहा हूँ। बीइंग एन इन्फ्लुएंसर कुछ सीखना मत, सीखना ये जरूर सीखना है ना, है ना? तो मैं मम्मी जी दे दूँ ना टाइम आपको हमेशा? हमेशा भाई इस चीज का ध्यान रखना, है ना, क्योंकि ये है तो सब कुछ है, ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है भाई। मम्मी जी क्या कह रहे थे तुम घुमाने वाली? आप गंगा जी नहीं लाकर लाएगा ना बेटा आपका प्यारा? गंगा जी लाकर लाएगा, गंगा जी अब कार्तिक चल रहा तो भैया मम्मी जी को गंगा जी नहीं लाकर लाएंगे, उसके बाद फिर नया साल आने वाला है तो पिछली साल की तरह फिर मम्मी को हवाई यात्रा में कहीं ना कहीं ले जाएंगे, ठीक है? सही। तुम भी भाई मेरे जैसे बच्चे सब हो जाओ, सारे हो जाओ, शरारती कितने भी हो बेटा अच्छा होना चाहिए, है ना? ठीक है चलो भाई हम जा रहे हैं अपना वादा निभाने। वादा ये है कि हमने एक भाई को फरवरी में वादा करा था कि हम तुम्हारे जिम में तुम्हारे साथ वर्कआउट करेंगे, फरवरी से दोबारा फरवरी आने वाला है, मतलब कि ऑलमोस्ट एक साल होने वाला, तो वादे तो मैं पूरे करता हूँ यार, पर कभी कभी लेट हो जाता हूँ, तो आज वो वादा पूरा करने में जा रहा हूँ वर्कआउट करने।